गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 6th क्लास का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं। इसको हिंदी मीडियम में भी मैंने बना दिया है, अगर आप लोग चाहें तो हिंदी मीडियम की वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ हम लोग इंग्लिश मीडियम की पढ़ने वाले हैं। वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा, पहले हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। आंसर्स मैं आपको लिख के बताऊँगी कि अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें, और अगर लर्न करना चाहें तो आसानी से लर्न भी कर लें। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे चैप्टर का क्या नाम है, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर मेजर यानी बड़े तौर पर, मोटे तौर पर कौन कौन सी स्थल आकृतियाँ मिलती हैं, ज़मीन की शेप मिलती है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, आप लोग ने देखा होगा कि कुछ एरिया हम पूरे वर्ल्ड को नहीं लेते, ठीक है, हम सिर्फ अपने भारत को ही देख लेते हैं। तो अगर हम अपने भारत की बात करें तो आपने देखा होगा कि अगर हम लोग कश्मीर की साइड जाते हैं तो वहाँ आपको क्या मिलेंगे, वहाँ आपको मिलेंगे बड़े बड़े पहाड़, ऊँचे ऊँचे पहाड़, है ना, गहरी गहरी खाई, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन वहीं अगर आप गुजरात, राजस्थान इधर आ जाते हैं तो यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ आपको मिलेंगे रेत, है ना। वहीं अगर आप दिल्ली, यूपी, बिहार चले जाते हैं तो वहाँ आपको प्लेन एरिया मिलेगा, यानी कि बिल्कुल प्लेन प्लेन बड़े बड़े मैदान मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर आप समंदर के किनारे जैसे गोवा या कलकत्ता या बॉम्बे अगर यहाँ जाते हैं तो यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ आपको मिलेगा और समुद्र का किनारे वाला एरिया जिसे हम तटीय क्षेत्र कहते हैं, है ना। या फिर अगर आप अंडमान निकोबार जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका आइलैंड हो जाएगा, यानी जो तीन या चार तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगर आप बात करें तो आप अगर हैदराबाद की तरफ जाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, दक्कन के पठार मिलेंगे, है ना, जिन्हें हम प्लेट्यूज़ बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग शेप्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेनली, तो मेनली हमारे तीन शेप्स होते हैं, एक वो जो पहाड़ी इलाका होता है, दूसरा वो प्लेन एरिया जो होता है, और तीसरा वो जो आपके प्लेट्यूज़ यानी कि पठारी इलाका होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको ये बताया गया है कि ये जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको आकृतियाँ मिलती हैं, फॉर्म्स मिलते हैं ज़मीन के, वो क्यों होते हैं। तो देखिए, इसके दो रीजंस हो सकते हैं। तो ध्यान लिखा, दीज लैंड फॉर्म्स यानी जो भी आपके लैंड फॉर्म्स हैं आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस, ये दो प्रोसेस के कारण हो सकते हैं। दो प्रोसेस कौन कौन से हैं, तो पहले आपको बताते हैं, यू विल बी अमेज टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग, यानी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस ज़मीन पर आप खड़े हुए हैं ये बहुत 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 धीरे करके मूव करती रहती है। विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूसली मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, यानी कि आप कहते हैं कि अर्थ के अंदर भी हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट रहती है। तो अब जो अर्थ के अंदर होती है, द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑन द ऑफ द अर्थ सर्फेस एट सर्वल प्लेसेस। तो अब क्या बोलते हैं कि कुछ ज़मीन के अंदर ऐसे काम होते हैं, ऐसे मूवमेंट होते हैं ज़मीन के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो स्थल आकृति है वो चेंज होती रहती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रोसेस। और जो दूसरा आपका प्रोसेस होता है, जैसा कि आप पहले यहाँ देख लीजिए, दूसरा प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए माउंटेन रेंज हैं, बेसिन हैं, हील्स हैं यानी पहाड़ हैं, छोटे छोटे माउंटेन हैं, बड़े बड़े लेक है, और माउथ ऑफ रिवर है, फिर आपके यहाँ पे देखिए प्लेट्यूज़ है, प्लेन है, सारी चीज़ें हैं अलग अलग, है ना, ये देखिए आइलैंड है, तो ये जो है कोस्टल एरिया है। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रही है, ये अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं वो हम तीन को पढ़ेंगे अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो अभी हमने एक प्रोसेस के बारे में जाना, जो इंटरनल प्रोसेस था, जो ज़मीन के अंदर हो रहा था। सेकंड प्रोसेस जो होता है वो आपका एक्सटर्नल प्रोसेस होता है, जो कंटिन्यूसली वेयरिंग डाउन द रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस, द वेयरिंग अवे द ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द इरोजन। अब क्या बोलते हैं कि आपका ये जो दूसरा प्रोसेस है, ये एक्सटर्नल प्रोसेस होता है, यानी कि ये ज़मीन की सतह के ऊपर होता है। क्या होता है, जैसे कि मिट्टी का या पत्थरों का बनना या आपस में टकरा के टूट जाना, यानी कि सॉइल का इरोजन होना या डिपोजिशन होना। देखिए, इरोजन का मतलब क्या होता है कि सॉइल एक जगह से या जो भी चीज़ है एक जगह से हवा या पानी या बर्फ़ के ज़रिए दूसरी जगह पर पहुँच गई, तो जहाँ से उड़ी उस जगह का हुआ इरोजन, जहाँ गिरी उस जगह का हुआ डिपोजिशन। क्यों, वहाँ पे वो रीबिल्ट हो गई, दोबारा बन गई, है ना।
तो अब देखिए यह आपको बता दिया गया, ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गई, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं कि ज़मीन में जो भी चेंजेस आती हैं वो दो कारण से आती हैं, एक उसके इंटरनल, दूसरे उसके एक्सटर्नल। इंटरनल वो होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली वो अंदर की तरफ से मूव करती रहती है, जो हमें एहसास भी नहीं होता जिसका, है ना। और एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल वो कारण होते हैं जो बाहरी के तौर पर होते हैं, ठीक है, जैसे ज़मीन का बनना या ऊपर से उसकी अपरदन होना, ऊपरी लेयर का उठ जाना, चले जाना, है ना। अब आगे बात करते हैं कि आपके जो मेनली अर्थ के जो मतलब लैंड फॉर्म है वो तीन है, माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम माउंटेन को पढ़ेंगे, फिर प्लेट्यूज को पढ़ेंगे और फिर प्लेन को पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं हम उनके बारे में भी जानेंगे। अब देखिए माउंटेन क्या होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो आपको बता दिया गया है कि माउंटेन जो है एक नेचुरली चीज़ है, ये नेचुरली सरफेस उठ जाता है, ठीक है। इसके जो ऊपरी एरिया होता है यानी कि जो इसकी जिसे हम कहेंगे चोटी, वो बहुत स्मॉल होती है, बहुत पतली होती है, जबकि इसका जो बेस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, जैसा कि आप जानते हैं पहाड़ इस तरह से होते हैं, है ना। तो यही चीज़ आपको बताई गई है। इसके बाद यह आपको बताते हैं कि इसके आसपास का एरिया जो होता है यह उससे बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, माउंटेन बहुत हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, इनफैक्ट इतने ऊंचे होते हैं कि ये बादलों से भी ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपके पहाड़ों में जो तापमान है वो भी कम होता जाता है, यानी कि ठंडा होता जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ ग्लेशियर्स के बारे में बता रहे हैं, ग्लेशियर्स क्या होता है, तो बताते हैं कि पहाड़ों पे कुछ पहाड़ ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ऐसी रिवर्स होती हैं जो हमेशा बर्फ़ से जमी रहती हैं, ठीक है, हमेशा हर वक्त जमी रहती है। तो ऐसी जो रिवर्स होती है, ऐसी जो नदियाँ होती हैं, उनको हम लोग ग्लेशियर्स कहते हैं, ठीक है। इसी के बाद यहाँ आपको बता देते हैं कि आपको अलग अलग तरह से पानी को देखने को मिलता है, सी, ओशन, है ना, ये सारी चीज़ें भी आपके पानी के लिए होती हैं। बहरहाल इसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी बताते हैं, दे आर सम माउंटेन कैन यू कैन नॉट सी दे, ठीक है, एज दे आर अंडर द सी। आप कुछ माउंटेन ऐसे भी होते हैं जो समंदर के अंदर होते हैं, जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका पहाड़ी इलाका होता है यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हर्श होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है, कठोर होता है, इसीलिए यहाँ पे कम लोग रहना पसंद करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं कि जो माउंटेन एरिया होता है वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है, और ख़ासतौर से अगर हम प्लेन एरिया की बात करें तो उसके मुकाबले तो बिल्कुल नहीं के बराबर होती है, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि नंबर वन वहाँ की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, क्लाइमेट बहुत कठोर है, इसलिए लोग वहाँ नहीं रहते, और इसके अलावा वहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है, जो आपका फिसलन है वो है, और वहाँ पे आपकी फार्मिंग के लिए कोई ज़मीन अवेलेबल नहीं है, और आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलती है अच्छी, इसलिए वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप सब जानते हैं इंसान वहीं रहना पसंद करेगा ना जहाँ उसे खाना पीना और हर तरह की आराम और सहूलियत मिले। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ अब आपको बताया गया है कि माउंटेन में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज, यानी कि ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे रेंज के तौर पे अगर माउंटेन हो तो उन्हें हम लोग माउंटेन रेंज कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा मैप में, हिमालय जो हिमालय पर्वत है उसका हिमालय पूरा एक रेंज है, ठीक है। क्यों, हिमालय एक पर्वत का नाम भी है, यानी एक माउंटेन भी है हिमालय, और हिमालय एक माउंटेन रेंज भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको बता दिया गया ये कि पूरे चलते रहते हैं, इसमें कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिए गए हैं कि आप लोग देख लेंगे, यूरोप के, एशिया के। यहाँ देखिए बताया गया है कि हिमालय में जो सबसे बड़ा अपना माउंटेन रेंज है एशिया का, है ना, इसी के बाद यूरोप, साउथ अफ्रीका, इन जगहों के भी अलग अलग माउंटेन रेंज है, उनके बारे में बताया गया है। अब बताते हैं कि जो माउंटेन्स होते हैं ये मेनली आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये देखिए हम लोग एक एक स्टेप करके चल रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। और अगर देखिए आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सिक्स क्लास के ही बच्चे हैं अगर, तो आप लोग इसे सिंपल सिंपल समझते चलेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बेहतर होगा कि इसके जो ये शॉर्ट नोट्स बना लें छोटे छोटे, है ना, जो ये पॉइंट्स आते हैं इनको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें, ताकि आपको बाद में रिवीजन के लिए आसानी रहे, फिर पूरी आपको आधे एक घंटे की वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। चलिए तो अब हम ये सीख जानेंगे कि तीन प्रकार के माउंटेन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला माउंटेन होता है फ्लड माउंटेन, दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन, तीसरा होता है वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है।
अब फ्लड माउंटेन क्या होता है? फ्लड माउंटेन जनरल माउंटेन को कहते हैं जो अपने हिमालय माउंटेन वगैरह हैं, ये थोड़े से उबड़ खाबड़ होते हैं, फोल्डेड होते हैं, रफ होते हैं, रिलीफ है ना, और इनकी हाई पीक यानी ऊंची चोटी होती है और कॉनिकल होते हैं, ठीक है, यानी कि कोन जैसे होते हैं। तो ये तो आपके सिंपल हो गए। इसमें अरावली रेंज जो है इंडिया की, वो सबसे पुरानी माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन की सबसे पुराना एग्जाम्पल कौन सा है आपका? अरावली रेंज। तो अक्सर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल दीजिए, वहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे जिसमें एक अरावली होगा, तो आपका अरावली ऑप्शन जो है वो राइट होगा, ठीक है, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। आगे देखें, यहाँ पे और भी आपको बताया गया है, द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वार्म डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द इरोजन। ये बताते हैं कि जो आपके रेंज होते हैं ये कंटिन्यूसली घटते बढ़ते रहते हैं इरोजन के कारण, यानी कि अपरदन के कारण, जो इसके ऊपर से अपरदन होता है, किससे होता है? पहाड़ों पर। पहाड़ों पर अपरदन दो चीज़ों से होता है, या तो नदियों से होगा या फिर बर्फ से होगा, मेनली है ना, हवा से भी होगा लेकिन मेनली जो है वहाँ पर बर्फ से या फिर नदियों से ही होता है। अब हम बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन की। तो ब्लॉक माउंटेन आप सबको पता है किसको कहा जाता है, ये जो आपको इमेज दिखाई गई है कि माउंटेन टूट जाते हैं और ये देखिए इस तरह से हो जाते हैं, होस्ट हो जाते हैं, ऊपर वाला एरिया जो होता है वो होस्ट कहलाता है और गार्बेंड नीचे वाले एरिया को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वैलीज वगैरह टाइप में ले लेते हैं इसमें, इन सबको कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड वेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिसप्लेस्ड वर्टिकली, यानी कि ऊपर का एरिया टूटे और दोबारा से खाई में गिर जाए, ठीक है, इसको कहा जाता है। क्योंकि देखिए पहाड़ इस तरह से होते हैं ना, तो अब ये पहाड़ का ये एरिया टूटे और ये यहाँ धस जाए आके, समझे नहीं समझे, दोबारा से देखिए ड्राइंग बनाती हूँ, ये देखिए, ठीक है, ऐसे पहाड़ होते हैं। तो ये आपका पीक यानी कि इसकी चोटी कहलाती है और ये वाला जो एरिया होता है ये आपकी खाई कहलाती है, घाटी जिसे हम बोलते हैं ये वाला एरिया। अब क्या हो, ये पहाड़ यहाँ से टूटे और दोबारा इसके अंदर गिर जाए, ये पहाड़ यहाँ से टूटे यहाँ गिर जाए, ठीक है, इससे जो आपके पहाड़ वजूद में आते हैं यानी जो पहाड़ों का निर्माण होता है वो आपके कौन से पहाड़ कहलाते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहलाते हैं। आगे चलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। तो आप सब जानते हैं वॉल्केनिक माउंटेन उनको कहा जाता है जिनके अंदर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, यानी कि जिसके अंदर आपका मैग्मा होता है ना, जो जमीन जिनके अंदर छेद होता है बाद में उनके अंदर से आपके मैग्मा निकलता है या लावा निकलता है, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, तो देखिए लिखा माउंटेन आर वेरी यूज़फुल। माउंटेन ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर आपत्ति हो, परेशानियाँ ही हो, माउंटेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। इसका रीज़न ये है कि माउंटेन जो है स्टोर हाउस ऑफ वाटर कहलाते हैं, क्योंकि भाई देखिए आप सब जानते हैं कि बर्फ़ जो है वो है तो पानी ना, जब वक्त आने पर वो पिघलता है तो हमें ही पानी मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि माउंटेन जो है वो स्टोर हाउस ऑफ वाटर है, पानी का बड़ा सा घर है जो उसे स्टोर किए हुए है। मैनी रिवर्स देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन, यानी बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो ग्लेशियर्स के रूप में भी वहाँ में है मौजूद है, जो हमें पानी देती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ से हम लोगों को मिलती हैं, जैसे कि अलग अलग प्रकार के जानवर हैं या बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल तो खैर वहाँ नहीं होते हैं जनरली, वहाँ पर फ्रूट्स होते हैं और आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ये सब पहाड़ी इलाकों में ही होते हैं, है ना। इसके अलावा रिवर वैलीज होती हैं, ट्रेसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया गया है कि ये यहाँ पे होता है। और इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि जो आपके बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनमें अलग अलग तरह की, देखिए ये आपको वॉल्केनिक पहाड़ जो होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन जो होते हैं उनका एग्जाम्पल दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये रहा आपका ओरिजिनल और यहाँ पर ये आपको बताया गया है इमेज ड्रॉ करके कि क्या होता है और कैसा होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आपको ये वाला कंप्लीट होता है, यानी पहाड़ों के बारे में हम कंप्लीट हो गए, पहाड़ों के बारे में हमने सब जान लिया कि पहाड़ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, हर टाइप कहाँ और कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं प्लेट्यूज़ पे। प्लेट्यूज़ किसे कहा जाता है? ये होते हैं पठार, ठीक है, चलिए तो इनको पढ़ते हैं। अ प्लेट्यू इज़ एन एवलेट फ्लैट लैंड। It is a flat top table land standing above the surrounding areas. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्लेट्यूज़ जो होते हैं वो पता है कैसे होते हैं, जैसे अब आपके पहाड़ होते हैं वो इस तरह से होते हैं, कॉनिकल होते हैं, लेकिन जो आपके प्लेट्यूज़ होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है, यानी उनका जो ऊपर का एरिया होता है वो एज अ टेबल होता है, जैसे टेबल का एरिया, टेबल का टॉप होता है ना बिल्कुल प्लेन फ्लैट, बिल्कुल उस तरह से होते हैं, ठीक है। ये अपने इर्द गिर्द के जो एरिया होता है उससे तो ऊंचे होते हैं लेकिन बिल्कुल पहाड़ की तरह नोकीले और बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, ओके।
नेक्स्ट यहाँ आपको बताते हैं कि ये देखिए ये थोड़ा हाइट वाइज ऊँचे होते हैं और इनकी जो हाइट रेंज होती है कि मतलब क्या कितने से कितने तक होंगे, तो बताते हैं कि 100 मीटर से कुछ 1000 मीटर तक हो सकते हैं, ठीक है ना। ये माउंटेन जिस तरह से माउंटेन नए और पुराने होते हैं कि भाई ये अभी नए माउंटेन है और ये माउंटेन रेंज पुरानी है, उसी तरह से प्लेट्यूज़ भी नए और पुराने होते हैं। अगर हम बात करें दक्षिण के पठार जो है, दक्षिणी प्लेट्यूज़ जो है वो इंडिया के सबसे पुराने प्लेट्यूज़ हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपको बताते हैं कि ईस्ट अफ्रीका की जो प्लेट्यूज़ है उसमें कीनिया है ना, तंजानिया एंड युगांडा जो है आपके, ये क्या है, द वेस्टर्न प्लेट्यूज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अदर एग्जाम्पल्स, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं प्लेट्यूज़ के। तो आपको और भी दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़ लेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ आपको बताया गया है कि जो सबसे बड़ा टिबेट प्लेट्यू है उसकी जो हाइट है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है वो सी लेवल से। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊँ, जब भी हम कोई भी ऊँचाई या कोई भी हाइट नापते हैं ऑफिशियली अगर हम नापते हैं है ना, तो हम उसे सी लेवल से नापते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो आप लोग जिस एरिया में रहते हैं उसकी भी हाइट जो है वो आपकी सी लेवल से नापी जाती है, कि आपकी हाइट सी, आपके एरिया की हाइट सी लेवल से कितनी ऊंची है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ आपको आगे बताया जा रहा है कि प्लेट्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेकार होते हैं। यूज़फुल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, खनिज बहुत ज़्यादा होते हैं ना, जो कि हम लोग माइनिंग करके निकालते हैं। तो इस तरह से अलग अलग वर्ल्ड में, मतलब पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह के प्लेट्यूज़ हैं। तो अलग अलग प्लेट्यूज़ हैं तो वहाँ पर अलग अलग एटमोसफियर है, अलग अलग जलवायु है, वहाँ की अलग अलग क्लाइमेट है वहाँ का, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि अगर अफ्रीकन प्लेट्यूज़ की बात करें तो वहाँ के जितने भी पठार हैं वो सब सोना और हीरे के लिए फेमस हैं। वहीं अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में जो पठार है, जिसे हम लोग छोटा नागपुर के प्लेट्यूज़ बोलते हैं, वो आपके आयरन, कोल, मैग्नीशियम, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको बता दिया गया है कि अलग अलग एरियाज़ में, क्योंकि भाई अलग अलग जलवायु है, अलग अलग एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ के अलग अलग प्लेट्यूज़ होते हैं और उनकी अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे अब हम उसे माइनिंग करके निकालते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लेन का, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्लेन एरिया जो होता है वो आपका यूपी, दिल्ली है ना, हरियाणा, ये वाला एरिया जहाँ पे ना आपको कोई लैंडफॉर्म मिलेगी, मतलब आपको ना कुछ ऊंचा मिलेगा ना कुछ नीचा मिलेगा, ये बिल्कुल सिंपल होता है। अच्छा, ये जो है आपका 200 मीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं होता, अगर हम सी लेवल की बात करें, बस 200 मीटर के अंदर अंदर होता है ये, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा है, प्लेन आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ द फ्लैट लैंड, यानी बिल्कुल प्लेन एरिया, सीधा सपाट, बिल्कुल कुछ नहीं, ठीक है। सी लेवल से भी सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर ऊपर होता है बस। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ये बिल्कुल बिल्कुल प्लेन है, यही वाली बात आपको बता रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये बताते हैं कि ये एरिया क्योंकि प्लेन है, ये नदियों के द्वारा बनाया गया एरिया है। आपको पता है कैसे बनता है ये एरिया? एरिया से बनता है कि जब पहाड़ से नदियाँ बहती हुई आती हैं तो वहाँ से मिट्टी, पत्थर, सब चीज़ें अपने साथ लेती आती हैं, और जैसे जैसे वो लाती हैं तो वो आपस में टकराते रहती हैं, वो टकरा टकरा के बिल्कुल बिल्कुल बारीक हो जाते हैं नमक जैसे, और फिर जब वो नीचे आती है प्लेन एरियाज़ में आती हैं तो वो साइड में छोड़ती चलती हैं, ठीक है। जब वो साइड में छोड़ती चलती हैं तो वो टकरा टकरा के इतने ज़्यादा वो चीज़ उपजाऊ बन जाती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिशन पावर हो जाती है, इसीलिए जो ये आपका प्लेन एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। वही चीज़ यहाँ आपको बता रहे हैं कि जो आपका फ़्लो डाउन करता है स्लोप से, आपके रिवर्स जो हैं माउंटेन के स्लोप से गिरते हैं आके, तो वो इरोड्स होके आते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो इरोड करे हुए मटेरियल को अपने साथ लेके आते हैं, और जब वो लैंड फॉर्म में आते हैं, यानी कि जब वो प्लेन में आते हैं, तो वो चीज़ें वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। जब वो वहीं छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, वहाँ का जो एरिया है वो प्लेन एरिया बनता है और वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। वही चीज़ देखिए लिखा है, जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टिलाइज, यानी कि जो प्लेन एरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज्ड होते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो नदियाँ अपने साथ अपरदित माल पानी लेके आती है ना, जो मिट्टी, ईंटें, पत्थर, उनका जो मलबा साथ में लेके आती हैं, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। अब क्या है कि यह उपजाऊ एरिया, तो देखिए ज़मीन अच्छी हो गई, फिर आपको पता है कि नदियाँ आ रही हैं, तो नदी आ रही है तो पानी के लिए भी इजीली हो गया, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये सारी चीज़ें भी बहुत आसानी से हो जाती हैं। तो इसीलिए बताते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा आपको पॉपुलेशन मिलती है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आबादी कहीं मिलेगी तो वो आपका प्लेन एरियाज़ हैं, ठीक है।
और आपको बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा प्लेन एरिया है वो कौन से रिवर के द्वारा बनाया गया, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में है। एशिया के लिए जो आपका सबसे ज़्यादा है वो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा जो बनाया गया वो है। और अगर हम चाइना की बात करें, यंगजेड जो है वो चाइना में है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ बता देते हैं कि प्लेन एरियाज जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, इंसानों के लिए, उनकी जो आप खेती बाड़ी है उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि ये उपजाऊ है ना, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। घर वर बनाना वो भी बहुत आसान है, एज़ वेल एज़ आपकी जो कल्चर मतलब आपकी खेती बाड़ी करना, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि फर्टिलाइज ज़मीन है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। यानी कि जो भी चीज़ हम उगाएंगे, जो भी हम आपके कल्चर करेंगे, को जो भी खेती बाड़ी करेंगे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उगेगी, है ना। तो इसीलिए इंडिया में जो ये प्लेन एरिया है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि अगर आप कश्मीर जाएँ तो वहाँ आपको इतनी आबादी नहीं मिलेगी जितनी आबादी आपको यूपी, दिल्ली, बिहार और हरियाणा की तरफ मिल जाएगी, है ना। इसके आगे पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ आपको दिखा दिया गया है कि किस तरह से यहाँ पे कितनी हरियाली होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ वाला एरिया होता है। इसके बाद यहाँ आपको बता देते हैं कि लैंड फॉर्म एंड द पीपल, यानी किस तरह से जो लैंड फॉर्म है वो इंसानों के रहने को असरअंदोज़ करता है, किस तरह से उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो आप सब जानते हैं कि भाई हमने पिछले उसमें भी जाना, देखिए ज्योग्राफी में यही चार चीज़ें हैं जो आपको रिपीट होंगी, तो जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा तो इसमें थोड़ी सी डिप्थ आ जाएगी, थोड़ी गहराई आती जाएगी, अदरवाइज चीज़ें वही सेम होती हैं, ठीक है। अब आप सब जानते हैं लैंड फॉर्म जैसी होती है वैसे ही वहाँ की जलवायु मतलब आबादी होती है। उसका रीज़न क्या है कि भाई बताइए अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो वहाँ सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हर वक्त सर्दी रहती है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, खेती बाड़ी नहीं कर सकते, घर अच्छे नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हर वक्त आपके अर्थक्वेक आते रहते हैं, वोल्केनो फटते रहते हैं, है ना। अब इसी तरह से अगर आप आ जाए प्लेन वाले एरिया में तो अगर वो नदी के किनारे वाला एरिया तो वहाँ बाढ़ भी आ सकती है ना। तो क्या मतलब है कि हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती है, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो चाहे वो ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स हो, तो डिज़ास्टर्स आते रहते हैं। इसके बाद अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर दी गई है 1, 2, 3, 4 करके, फिर आपको यहाँ हर उससे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सारी आप पिक्चर्स ध्यान से देखेंगे, इन सब के आंसर्स आपको लिखने हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 पिक्चर्स हैं, लगभग 7 के करीब क्वेश्चन आंसर हैं। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है चैप्टर। बहुत लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन क्या करूँ, हर चीज़ पढ़ाना और हर चीज़ आपको समझाना भी ज़रूरी है। आप लोग इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि वीडियोस को देखा करें, अगर देखते देखते बोर हो जाते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर लें, वो बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका जब दिल चाहे तब आप उसे देख सकते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपका एक्सरसाइज आती है, इसमें आपको जी तक क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, फिर आपके टिक मार्क हैं और इसके बाद आपके फिलअप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जल्दी जल्दी करवा दूंगी। इसके बाद ये मैप वर्क है, इसको भी आप कर सकते हैं अगर आपके टीचर्स कहेंगे। वैसे एग्ज़ाम्स में आता है आपका मैप वर्क, जनरली मैप वर्क आपकी ज्योग्राफी की बुक से ही आता है। तो चलिए अब हम लोग इनको कुछ आंसर्स को, इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद चैप्टर को फिनिश करते हैं, वीडियो को फिनिश करते हैं। चलिए तो देखते हैं कुछ आंसर्स को। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। तो पहला लिखा है व्हाट आर द मेजर लैंड फॉर्म, मेजर लैंड फॉर्म कौन कौन से, तो आपको पता है 3 लैंड फॉर्म है, माउंटेन, प्लेन और प्लेट्यूज एंड प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेट्यूज, यानी कि माउंटेन और प्लेट्यूज में क्या डिफरेंट है। तो आप जानते हैं मेनली इसमें दो ही डिफरेंट होते हैं। नंबर वन ये होता है कि जो माउंटेन होता है ये बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है और इनकी जो ऊपर पीक होती है वो नोकदार होती है, जबकि ये इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है और इसका जो ऊपर का एरिया होता है वो फ्लैट होता है, चपटा होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए वही चीज़ यहाँ पे आपको दोबारा से बता दी गई है, ये 3 टाइप के होते हैं। और जो प्लेट्यूज होते हैं ये सिंपल से जनरली हाइट होते हैं और इरोजन की वजह से ही ये वजूद में आते हैं, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने पढ़ा था अभी कि 3 प्रकार के होते हैं, दे आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, नंबर 1 फ्लड माउंटेन, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन और थर्ड है आपका वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ दिया गया है हाउ आर द माउंटेन आर यूज़फुल टू मैन, यानी कि जो माउंटेन है वो इंसानों के लिए किस प्रकार से यूज़फुल है। तो देखिए यहाँ आपको पॉइंट्स में आंसर दिया गया है कि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल्स हैं, वही पानी के लिए स्टोर करते हैं, बहुत सारे रिवर्स वहीं से निकलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है भाई, वहीं डैम वगैरह बना दिया जाता है ना। और भी आगे पॉइंट्स है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
देखिए यहाँ पे भी आपको दिए गए हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका फ्लोरा फोना मिलता है, इस वजह से ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंसानों के लिए यूज़फुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाउ आर प्लेन्स फॉर्मेड, यानी प्लेन एरिया जो है वो कैसे बनता है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि प्लेन एरिया जो है वो कैसे बनता है, जो आपका हाई एरिया वाले यानी कि जो पहाड़ हैं वहाँ से जो नदियाँ आती हैं वो अपने साथ कुछ ना कुछ इरूट करके लाती हैं, यानी कि इरोजन करती हैं पहाड़ों का, और फिर जो वो अपने साथ इरूट मटेरियल लाती हैं वो जब प्लेन एरियाज़ में आती हैं तो वो यहाँ लाके छोड़ देती हैं, और इसी तरह से ये आपका प्लेन एरिया जो है इसका निर्माण होता है, और ये बहुत ज़्यादा आपका क्या होता है, फर्टिलाइज होता है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ की जो लिविंग कंडीशन है वो भी बेस्ट रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड, यानी कि रिवर के द्वारा बनाया गया जो प्लेन एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है। तो आप बता देंगे कि इसका रीज़न ये है कि एक तो ये प्लेन होता है, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो ज़मीन होती है वो जनरली फर्टिलाइज होती है, उपजाऊ होती है, इसीलिए इंसान जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, वो अपनी हैबिटेशन कर पाते हैं, एज़ वेल एज़ कल्चर कर पाते हैं, आपकी खेती बाड़ी कर पाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी अच्छा होता है। ठीक है, घर वर बनाना, कंस्ट्रक्शन वगैरह करना, ये भी बहुत आसान होता है, इसलिए यहाँ पे जो है हैवी पॉपुलेटेड होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका ये जो शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन है उसमें लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर माउंटेन थिनली पॉपुलेटेड, यानी कि जो माउंटेन है वो कम पॉपुलेशन वाले क्यों होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि माउंटेन जो है वहाँ की जो क्लाइमेट होता है वो हर्श कॉल यानी कि कठोर सर्दी वाला होता है, और माउंटेन स्लोपी होते हैं, तो इस पे जो है इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जीना, है ना। इसके अलावा यहाँ पे फार्मिंग के लिए भी ज़मीन नहीं मिल पाती है, इसके अलावा जो यहाँ के लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ हो जाती हैं। अब आपको मैंने बताया था जब भी चैप्टर पढ़ा रही थी कि यहाँ पे आपको व्हीकल्स नहीं मिल पाते हैं, किसी भी तरह की कोई भी सहूलियतें ईजी नहीं होती। सबसे मेन प्रॉब्लम तो आजकल की अगर लाइफ देखी जाए तो ऑनलाइन ज़माना है, सब चीज़ें है ना, वहाँ पर नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, वो भी ये बात कहते हैं कि उनको जब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देना होते हैं या कुछ करना होता है तो उनको एक अलग जाके साइबर कैफ़े वगैरह में जाके बैठना पड़ता है। वहाँ पे जैसे हम लोग मोबाइल डाटा वगैरह यूज़ करते हैं ऐसा वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे इनफैक्ट नेटवर्क ही नहीं आते, कॉलिंग के नेटवर्क भी नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो इंसान कैसे वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए वो जो है बहुत कम पॉपुलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ दिया गया है, ये आपके टिक मार्क के हैं। तो यहाँ लिखा है, द माउंटेन डिफर फ्रॉम द हाइल इन द ट्रम, तो माउंटेन कैसे अलग होते हैं, तो आपको इसका आंसर बता देना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एवलेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ग्लेशियर फाउंड, ग्लेशियर्स कहाँ मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंटेन, माउंटेन में मिलते हैं। नेक्स्ट है दक्कन के जो प्लेट्यूज हैं वो कहाँ लोकेटेड है, तो बता देंगे इंडिया में। उसके बाद लिखा है द रिवर यंगजेड फ्लो, यानी रिवर यंगजेड है वो कहाँ बहती है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लगा देंगे कि चाइना में बहती है। उसका लिखा है एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज इज ऑफ यूरोप, यूरोप की इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो आप लिखेंगे एल्प्स। तो देखिए यहाँ ये सारे आपके आंसर्स हैं, यहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका फिलअप आता है, तो यहाँ पे आपको देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, तो ये आपको क्वेश्चन वाले दिए गए, यहाँ विद आंसर हैं, तो आप यहाँ से देख लेंगे, मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब आपका मैप वर्क है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा देती हूँ। देखिए ये जो आपका मैप था, इन्होंने पूछा था कि आपको वर्ल्ड के मैप के ऊपर माउंटेन रेंज बतानी है जिसमें हिमालयाज, रॉकी और एंडीज बनानी है, और इसके अलावा प्लेट्यू बताने हैं कौन से आपको, टेबलेट वाले। ठीक है, तो चलिए ये चार चीज़ें आपको बतानी है, एक दो तीन और एक ही चार, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आपकी जो माउंटेन रेंज है हिमालय ये रही, बाकी की दो माउंटेन रेंज ये रहे। ठीक है, और जो आपके प्लेट्यूज़ बताए गए हैं वो सिर्फ आपको तिब्बत के पहाड़ों के बारे में बताया गया, तो वो ये रहे। ठीक है, ये थोड़ा हिंदी मीडियम में है, आप लोग इसे इंग्लिश में कर लेंगे, डज नॉट मैटर, हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।